नमस्कार, मैं बीना सानी आज फिर उपस्थित हुई हूँ और आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ रहिएगा। प्रॉब्लम सभी को मालूम है, जरूरत से ज़्यादा चल रही है। और आज मैं बना रही हूँ हेल्दी खिचड़ी। खिचड़ी वैसे भी बहुत अच्छी होती है, पौष्टिक होती है। ज़रूरी नहीं है कि बीमार को दिया जाए, वैसे भी आजकल बीमार बहुत लोग पड़ रहे हैं, हमारे यहाँ अक्सर बनती रहती है। लेकिन मैं किस तरह से बनाती हूँ उसी को शेयर कर रही हूँ आपसे। हेल्दी खिचड़ी बनाने के लिए मैंने जो जो सामान लिए मैं दिखा देती हूँ। चावल लिए हैं आधी कटोरी, क्योंकि चावल हमेशा कम डलता है खिचड़ी में और दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ये मूंग दाल है, छिलकों वाली मूंग दाल है, छिलकों वाली। चावल कम है आधी कटोरी और दाल ज़्यादा है, और मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी बीन्स, प्याज, अदरक, टमाटर, और इसमें हरा धनिया और लौकी। सब्जियाँ मैं धो लेती हूँ, फ्रेश सब्जियाँ जब भी आती हैं मैं हमेशा वॉश करके रखती हूँ सब्जियों को, और जिस समय बनाना होता है उस समय भी वॉश करती हूँ सब्जियों का। हमेशा वॉश करके रखिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। और इसके जिसे मैंने भिगो लिया था, मैंने अपने हिसाब से बनाना था, मैंने भिगो लिया था, और मैंने कितना लिया वो मैंने आपको दिखा दिया है। भिगोने के बाद साफ़ पानी में धोना है आपने, और फूल जाएगी ये खिचड़ी की जो दाल और चावल फूल जाते हैं, जैसा आप सबको पता ही होगा कि भिगोने के बाद फूल जाते हैं। और मैंने थोड़ा सा ले लिया रिफाइंड, 2-3 चम्मच के करीब। और इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ अदरक, हरी मिर्च प्याज अदरक, हरी मिर्च, प्याज, इसको डाल देंगे। और मैं डालूँगी हींग डालूँगी, हींग का भी अच्छा टेस्ट आता है, डालेगा ज़रूर। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक कटा हुआ छोटा सा टमाटर है, इसको डालेंगे। लौकी को भी डालेंगे, लौकी में जो पानी डला हुआ वो एकदम साफ है, फ्रेश है। इसको मैं हेल्दी बना रही, ज़रूरी नहीं कि ये बीमार लोग ही खाते हैं, और काफ़ी अच्छी बनती है, काफ़ी टेस्टी बनती है। ये बीन्स है, 3-4 बीन्स थी, उसको मैंने धो लिया था और काट लिया। इस तरह की हरा धनिया की कुछ पत्तियाँ, इसे भी मैं डाल दूँगी। इनको मैं हटा लूँगी, क्योंकि आपको दिखाने के लिए ही मैंने ये रखी थी कि चावल की क्वांटिटी, खिचड़ी जब भी बनती है चावल कम होता है। अगर आपने 250 ग्राम चावल लिए हैं तो आपने आधा किलो 500 ग्राम आपने दाल लेनी है, दाल की क्वांटिटी बढ़ा देना है अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से आपने बनानी है। तो इसको हम रख देंगे साइड पे। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अपने नॉर्मल मसाले। जीरा डलेगा, थोड़ा सा जीरा डाला है मैंने, अब मैं डाल रही हूँ इसमें हल्का सा नमक, क्योंकि मैं तड़का भी बनाऊंगी वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं इसको थोड़ी सी हल्दी, आप ये गरम मसाला और काली मिर्च, बस थोड़ा सा ही डालेंगे। इसको अच्छे से हमने एक बार अच्छे से हमने चला लिया, इसको अच्छे से आपने चलाने के बाद ये जो हमारे पास दाल भीगी हुई है इसको भी मैं इसमें मिक्स करूंगी। काफ़ी हेल्दी बनती है, काफ़ी अच्छी बनती है, कभी कभार वैसे भी खानी चाहिए। मेरे यहाँ तो बनती है, मेरे यहाँ खिचड़ी वगैरह बनती है तो काफ़ी अच्छी टेस्टी खिचड़ी बन जाती है। आप किसी के साथ भी खाइए, दही वगैरह के साथ भी आप खा सकते हैं। ये पानी साफ था, इसको भी मैं डालूंगी। और अब मैं इसके अंदर कम पानी ज़्यादा रखेंगे, पानी की मात्रा ज़्यादा रखेंगे, खिचड़ी पतली पतली बनानी है। अभी मैं तड़का भी बनाऊंगी इसके बाद। इस तरह से आपने 2 ग्लास के करीब पानी डाल लेना है, 2-2.5 ग्लास के करीब पानी डाल लेना। अगर आपका चावल और दाल मिलाकर 1 ग्लास है, अगर आपकी दाल और चावल मिलाकर पूरा 1 ग्लास की क्वांटिटी बनती है तो आप 2.5 ग्लास पानी डालना, क्योंकि खिचड़ी पतली बनती है तो उसके पानी का हिसाब आप 2.5 ग्लास रखना। और इसको मैं आप 2 सीटी लगने तक बनने दूँगी। 2 सीटी लग गई है, खिचड़ी हमारी काफ़ी अच्छी रेडी हो चुकी है। इधर मैं तड़का तैयार करूँगी। तड़का तैयार करने के लिए मैंने थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा देसी घी ले लिया है, आप अपने हिसाब से ले लेना, 2 चम्मच के करीब। अब इसी के अंदर मैं तड़का बना रही हूँ, क्योंकि खिचड़ी बनाने के बाद मैं तड़का बनाती हूँ। किस तरह से बनाती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक पहले डाला था, आपने देखा था, थोड़ा सा अदरक अब डाल रही हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्च डालूँगी, और मैं डालूंगी एक पिसा हुआ प्याज। मिक्सी में मैंने छोटा सा प्याज पीस लिया था। 2 चम्मच में टमाटर डाल रही हूँ, 2 चम्मच में टमाटर डाल दूंगी।
तो इसको हम हटा लेंगे। आपने इस तरह से अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट करना है, इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इधर हम अपनी खिचड़ी चेक कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी बन गई है। इसके अंदर सारी सब्जियां हमारी मिक्स हो चुकी है। ये मैं बना रही हूँ, कभी जैसे तरह से प्रॉब्लम चल रही है आप देख रहे हैं, और काफ़ी लोग बीमार पड़े हैं। कभी हम लोग उनको दलिया भी देते हैं, और कभी हम खिचड़ी, कभी दाल का पानी इस तरह का देते हैं, कभी सूप दे रहे हैं, कभी काढ़ा दे रहे हैं, जो घरों में बीमार है। मेरे घर में तो टच वुड अभी हम सब स्वस्थ ठीक है, और आप लोग भी स्वस्थ ठीक रहिएगा। मैं वैसे भी खिचड़ी बनाती हूँ, मेरा रूटीन है, कभी खिचड़ी कभी कुछ मैं बनाती रहती हूँ, और मेरे घर में बड़े शौक से खाते हैं। और मेरे यहाँ तो खिचड़ी बचती भी नहीं है, जब बनती है तो हम लोग तो खाते रहते हैं। और मैंने सोचा आज आपसे हेल्दी खिचड़ी मैं शेयर करती हूँ, अगर घर में कोई बीमार है तो उसको इस तरह से दीजिएगा, ज़रूर वो खाएंगे। तो इस तरह से मेरी कच्चापन निकल गया। ये मैंने मसाले पहले कम डाले थे, आपने देखा तो मैंने बहुत कम क्वांटिटी में डाले थे, क्योंकि मुझे तड़के में डालने थे। मैं काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, हरा धनिया, ये सब डाल रही हूँ। इसमें काली मिर्च का अच्छा टेस्ट आता है। जीरे का तड़का मैं डाल चुकी हूँ पहले, जीरा मैं लगा चुकी हूँ पहले। अब इसी के अंदर हम डालने वाले हैं अपनी हेल्दी खिचड़ी। खिचड़ी हमेशा पतली बनती है, और खिचड़ी को बहुत पतला बनाना है आपने। चाहे कभी कभी ये होता है कि आप लोग बनाइए खाइए, काफ़ी अच्छी लगती है। इसको अभी मैं 2 मिनट के लिए और रोस्ट करूँगी, और थोड़ा सा डालूंगी इसमें पानी। पहले आपने देखा मैंने 2 गिलास के करीब पानी डाला था। खिचड़ी पतली बनती है, बनने के बाद ये थोड़ी सी सख्त हो जाती है, लेकिन हम इसके अंदर थोड़ा सा अपने हिसाब से पानी डाल लेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्ची सब ऑलरेडी डल चुका है इसके अंदर, काफी अच्छी क्वांटिटी में मैंने डाला है हरा धनिया वगैरह। आपने इसको अच्छा से एक पकाना है, और इसके अंदर आपने देखा है मैंने लौकी डाली थी, बीन्स डाला था, प्याज डाला, टमाटर डाला, आप गाजर डाल सकते हैं, मटर अच्छे मिल जाए तो मटर डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छी खिचड़ी बनती है, एक तरह की हेल्दी खिचड़ी मानी जाती है। चावल की क्वांटिटी जब भी आपने खिचड़ी बनानी है तो आधी कटोरी चावल है तो एक पूरी फुल कटोरी आपने दाल लेनी है। दाल आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं, और मूंग धुली दाल येलो कलर की होती है उसे भी ले सकते हैं। और इस तरह से हमने अच्छे से बना लेना है, और काफ़ी अच्छा देखिए कलर आया, आप देखिए काफ़ी अच्छा कलर आया, जो देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और इस तरह से मैं निकाल लूँगी, इसके अंदर लौकी का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, और एक बीमार हो चाहे ना हो इसके लिए तो काफ़ी अच्छा है सब कुछ। आज मैंने बिना सानी ने आपको हेल्दी खिचड़ी दही सैलेड ये ऑप्शंस है, आप रखना चाहे रख सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं मैं दही के साथ, और ये दही काफ़ी अच्छा है। हमेशा मेरे यहाँ ना क्लासिक दही आता है, जब जो कि खट्टा नहीं होता, मैं हमेशा क्लासिक दही लेती हूँ, ये मस्ती वाला, ये खट्टा नहीं होता है, काफ़ी अच्छा होता है। आप इसको अगर घर में कोई बीमार है तो भी दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी अपने लंच में, ब्रेकफास्ट में, नाइट में कभी भी अच्छा से शेयर कीजिएगा, काफ़ी अच्छा खाना है। आप सैलेड रख लीजिए दही, और आज आपको अगर मेरा खिचड़ी बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके ही कमेंट लिखिए प्लीज़, जो नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी। मिलूंगी मैं आपसे नई शेयरिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।